गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है आज का समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो अपना टॉपिक चल रहा है आज का, वो है शिक्षा की परिभाषाएं। इससे पहले की जो क्लासे हुई थी ऑफलाइन क्लासे, उसमें मैंने आपको शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, इस प्रकार के बारे में हमने जानकारी प्रदान कर ली थी। आज हम इसी के आगे इसकी शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग विद्वानों ने शिक्षा की बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण में शिक्षा की क्या परिभाषाएं हैं, फिर जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, और व्यक्तिक विकास की दृष्टि से विद्वानों ने शिक्षा की क्या परिभाषाएं दी हैं, और जो वातावरण के साथ अनुकूलित करने की दृष्टि से सब शिक्षाविदों ने क्या क्या अपने अपने मत दिए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से हम शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ेंगे, आध्यात्मिकता के विकास की दृष्टिकोण से परिभाषाएं, आध्यात्मिकता के विकास की दृष्टि से परिभाषाएं की आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो विद्वान हैं, वो इस संदर्भ में क्या परिभाषा देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर विष्णु पुराण के शब्दों में, डॉक्टर विष्णु पुराण के शब्दों में, विष्णु पुराण के शब्दों में विष्णु पुराण जी क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए, विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। इन्होंने शिक्षा का अर्थ प्रदान करते हुए कहा है कि विद्या वह चीज है जो व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाए, मुक्ति की प्राप्ति करे, व्यक्ति को मोक्ष मिले, या सा विद्या या विभुक्ति, इसको हम कह सकते हैं सा विद्या। संस्कृत में इसको हम कहेंगे सा विद्या या विभुक्ति, विमुक्ते, ठीक है। यानी विद्या ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को सकर्म प्रेरित करे और मोक्ष की ओर ले जाने का प्रयास करे, सॉरी विमुक्ते, ठीक है। दूसरा है, दूसरी परिभाषा दी है विवेकानंद जी के अनुसार, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, एवं उसे अपना बना सके, ठीक है।
विवेकानंद जी कहते हैं, शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह शाश्वत वास्तविक सत्य है उस सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके, वो उसको अभिव्यक्त कर सके, उसके बारे में दूसरों को भी प्रेरित कर सके, उस शाश्वत सत्य के बारे में दूसरों को भी हम जानकारी प्रदान कर सके। उसी आगे हम संदर्भ में पढ़ेंगे, अरस्तु के अनुसार जो दार्शनिक हुआ है, अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की, शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्ति, शिक्षा व्यक्ति मानसिक शक्ति का विशेष रूप, मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास करती हैं, विकास करती हैं तथा जिससे वह परम सत्य, तथा जिससे वह परम सत्य, जिससे वह परम सत्य शिव और सुंदर, परम सत्य शिव और सुंदर, परम सत्य शिव और सुंदर के चिंतन का, के चिंतन का, चिंतन का आनंद प्राप्त कर सके, आनंद प्राप्त कर सके। ठीक है, अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास करती है, मनुष्य का माइंड डेवलप करती है तथा जिससे वो परम सत्य, जो वास्तविक सत्य है, जिस सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति करते हैं हम, उस शिव और सत्य के चिंतन का आनंद प्राप्त कर सके, मन को प्रसन्नित कर सके, वही वास्तविक सत्य होता है। तो हमने इसके संदर्भ में हमने सबसे पहले विवेकानंद जी, ये टैगोर जी के संदर्भ में है, टैगोर जी के अनुसार, या टैगोर के अनुसार जो टैगोर जी हैं उन्होंने कहा है कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सातवें सत्य की खोज सके और उसे अपना बना सके। तो ये था अपना आध्यात्मिकता के विकास की दृष्टि से कुछ परिभाषाएं हैं। इसकी दो तीन परिभाषाएं और रही हैं जो महात्मा गांधी के संदर्भ में भी कहा है, तो हम महात्मा गांधी के संदर्भ में भी शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं उसको पढ़ लेते हैं कि महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी बताई अपनी परिभाषाएं इसके संदर्भ में, इनकी भी हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार गांधी जी क्या कहते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार ये कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य, शिक्षा से मेरा तात्पर्य, तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, उस प्रक्रिया से है, उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य, जो बालक एवं मनुष्य, जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, के शरीर आत्मा, शरीर आत्मा एवं मन का, एवं मन का, शरीर आत्मा एवं मन का सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्तम विकास कर सके, सर्वोत्तम विकास कर सके। ठीक है, अपना वर्ड छोटा है,
इसलिए यही तक आपको काम चलाना पड़ेगा कि महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर में आत्मा एवं मन का सर्वोत्तम विकास करे। मनुष्य की आत्मा से क्या भाव उठते हैं, मनुष्य को एक सत्य मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करे, मोक्ष की ओर ले जाने का प्रयास करे। यही जो आध्यात्मिकता के संदर्भ में कुछ विचारकों ने अपने अपने मत दिए हैं, जैसे हमने विष्णु पुराण के शब्दों में समझा कि विद्या वह है जो मनुष्य को मुक्ति दिलाए, मोक्ष की मार्ग की ओर तेज करे। टैगोर जी कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह साधु सत्य के खोज सके और अपना उस सके और उसको अभिव्यक्त भी कर सके। अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्ति का विशेष रूप से विकास करती है, जिससे वह परम सत्य शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद प्राप्त कर सके। और महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से उस तात्पर्य उनका ये है कि जो बालक एवं मनुष्य के शरीर आत्मा और मन का सर्वोत्तम विकास कर सके। और एक हम और मौखिक रूप में ले लेते हैं तो उसके संदर्भ में जो स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं उन्होंने भी अपना मत दिया है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य की जो अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा के अंदर जो भाव उठते हैं उन भावों को अंतर्निहित जो पूर्णता है उसको विकास करना, मनुष्य का आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण विकास करना, जो नैतिकता से युक्त उसका जो जीवन है उस जीवन को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करना, वही सच्ची शिक्षा है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास से हम यहीं पर खत्म करेंगे कि आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से जो विद्वानों ने परिभाषा दी है उसके संदर्भ में हमने पढ़ा। कल हम इसका जो जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से कुछ विचार हैं उन विचारों के बारे में हम कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।